नमस्कारम सभी को आज के स्पेशल कार्यक्रम में। तो आज हम बात करेंगे मेरी लाइफ का दूसरा लेसन। मैंने पिछले रविवार के एपिसोड में चर्चा की थी मेरी जिंदगी का पहला लेसन क्या रहा। उस पे आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो इस कार्यक्रम के बाद आप देख लीजिएगा। हालांकि जिंदगी हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है, हर किसी को कहीं ना कहीं हर मोड़ पे नए नए सबक मिल जाते हैं, लेकिन कुछ सबक ऐसे होते हैं वो हमारे जीवन की छाप बन जाते हैं, वो हमारे जीवन का नक्शा बन जाते हैं। और ऐसी ही कुछ शिक्षाएं मेरे जीवन में भी रही। कुछ सबक आपको भी जिंदगी में अगर याद रह गए हों तो आप कभी गौर करिएगा, वो आपके जीवन का आगे का भविष्य बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था अपना फर्स्ट लेसन, आज सेकंड लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब 10-11 साल का था, क्योंकि फर्स्ट लेसन मेरी जिंदगी का वो जो मेरे घर कर गया था दिमाग में, वो तो दिमाग में था ही, उससे मेरा थोड़ा स्वभाव कुछ आदतें वो बन रही थी। लेकिन जब मैं 11 वर्ष का था तो एक और शिक्षा मुझे मिली। हालांकि 11 वर्ष का बच्चा जो होता है उसे नहीं पता होता कि ये शिक्षा की बात है या नहीं है, वो तो बस चुन लेता है जो उसे अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। हुआ ये कि मैं एक बार किसी सत्संग पे गया। हालांकि सत्संग पर जाना, जहाँ कथा होती है, सत्संग होता है, प्रवचन होता है, ये मेरी रूटीन थी, क्योंकि मेरी दादी के साथ, कभी मेरी नानी के साथ, कभी दादी के साथ, कभी नानी के साथ, मैं इन ऐसी कथाओं पे, सत्संगों पे जाता रहता था। लेकिन उन सत्संगों पे जाके मैं क्या करता था, मैं सिर्फ इंतजार करता था कि कब कार्यक्रम खत्म हो और वो जो सत्संग कर रहा है वो थोड़ी टॉफियां, थोड़ी चॉकलेट या खाने की चीजें वो लुटाए, क्योंकि कई सत्संगों में उनके फूलों की वर्षा के साथ कुछ खाने की चीजें ऐसे फेंकते थे, तो मुझे वो बड़ा अट्रैक्ट करता था। और मैं दादी के साथ भी जब सत्संग में जाता था तो दादी के साथ एक ही शर्त पे जाता था कि रास्ते में मुझे फ्रूटी पिलाना है, तो बस यही कारण था मेरा सत्संग में जाने का। पर अचानक एक दिन एक सत्संग में मैं बैठा था, मैं कुछ सुन नहीं रहा था क्योंकि मुझे बस अच्छा लगता था वो इंतजार करना कि कब वो खाने की चीजें फेंकेंगे और मैं इकट्ठी करूंगा। और मैं तो दूसरों की झोली से भी इकट्ठी कर लेता था, छोटा बच्चा देख के सब लोग दे भी देते थे। और फिर पूरा हफ्ता बैठ करके मैं वही टॉफियां, वही सब चीजें खाता भी था। हालांकि बीमार रहता था लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता था वो खाना। खैर, मुझे नहीं मालूम था कि उन टॉफियों के जरिए ही, उसकी अट्रैक्शन के जरिए ही कोई ऐसा लेसन लाइफ में मिल जाएगा मुझे जो मुझे आगे जीवन में दिशा देगा। तो वो लेसन सत्संग चल रहा था उस दिन, और सत्संग में एक महिला संत थी, उनकी जो भी उनके डेरे की या जो भी कोई थी, सत्संग करते करते वो एक लाइन बोली, खाली मन शैतान का घर। खाली मन शैतान का घर। शैतान के बारे में बचपन में मेरी एक रिश्तेदार में लगने वाली दूर की कोई मासी कह सकते हो या कोई ऐसे, वो मुझे भूतों की कहानियां तो सुनाती रहती थी, शैतानों की, भूतों की। तो भूत तो मेरे दिमाग में थोड़े थोड़े थे ही बचपन से, लेकिन उस दिन सुन लिया भूत, खाली मन शैतान का घर, खाली मन शैतान का घर। और वो उस महिला ने, उस संत ने, बड़ी जो आदरणीय थी, उसने वो लाइन, ये तुक जो थी उस सत्संग में, क्योंकि वो सत्संग ही इसी तुक के ऊपर बेस्ड था, मेरे को सत्संग तो समझ नहीं आया, लेकिन वो तुक मेरे दिमाग में लगभग काफी दिन चली, क्योंकि उसने खुद ही वो अपने सत्संग में 10-15 बार रिपीट करी। तो फिर वो लास्ट में बोलती थी, खाली मन शैतान का घर, वो उनके बोलने का भी लहजा ऐसा ही था, और मेरे को बड़ा वो घर कर गया। धीरे 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 वो ऐसी आदत में आने लगा, खाली मन शैतान का घर, मैं खाली रहना बंद कर दिया। और जब भी कभी फ्री होता कुछ ना कुछ करने लग जाता। ऐसा नहीं कि मुझे डर पड़ गया था कि कोई मेरे अंदर शैतान घर कर जाएगा, बस ये पता चल गया कि खाली रहना अच्छा नहीं होता, और मैंने कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया।
कोई व्यक्ति मुझे पागल कहने लग गया कि ये तो बेवकूफ है, ऐसा करता रहता है, कभी ये चीज पकड़ के बैठ जाता कभी, पर मेरे को होता था कि मैं कुछ ना कुछ करूं, वो इनडायरेक्टली, दरअसल वो मैंने कॉन्शियसली भी नहीं किया, वो अनकॉन्शियसली होने लग गया था उस दिन के बाद, क्योंकि वो एक ही चीज बार बार रिपीट होती थी माइंड में, खाली मन शैतान का घर, खाली मन शैतान का घर। बस मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उस चीज को अपनाऊं, बट वो अपने आप लाइफ में आ गई, मैंने फिर खाली रहना बंद कर दिया। नेचर में ही आ गया कि कुछ ना कुछ करो, अगर आप फ्री बैठे हो तो बुक पढ़ो, अगर आप बुक पढ़ ली है आपने तो आप थोड़ी देर टहल लो, अगर आप टहल के थक गए हो तो आके कुछ खा लो, खा के थक गए हो तो सो जाओ। मतलब खाली बैठ करके गप्पे लड़ाना, खाली बैठ करके, फ्री बैठ करके दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहना, ये करना बंद कर दिया। उससे हुआ ये कि जो चीजें लोगों को सालों साल लग जाती हैं सीखने में, मेरी कंसंट्रेशन उससे मजबूत हुई और मुझे योग, आयुर्वेद, जो कि मुझे इंटरेस्ट था भी, मैं अपने गुरुओं के पास जाता भी था सीखने के लिए सब कुछ, तो वो एक ही तुक ने मेरे को अंदर से एक तरह से बदल दिया, मेरा स्वभाव बदल दिया कि खाली नहीं रहना। मैं कहीं पर काम सीखने के लिए कोई जाता किसी के यहाँ, तो वहां भी सारे बैठे हुए हैं, मैं उठ करके ये कर वो कर ये कर वो कर, वो बोले बैठ जा, मैं बोलता था नहीं मुझे और कोई काम बताओ, कोई और काम बताओ, और मैं लगातार काम करता रहता सुबह से लेकर रात तक, कुछ ना कुछ, चाहे वो फिर कुछ किसी ने मेरे को, मैंने कहीं संगीत देख लेना, मुझे अच्छा लगना, मैंने संगीत सीखना शुरू कर देना, चाहे वो फिर आदतें कुछ दिन रहती थी, क्योंकि बच्चा होता है तो वो ऐसा ही करता है कि थोड़े दिन कोई चीज करी फिर छोड़ दी, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ लेके निकलता था, आगे बढ़ता जाता था। लोगों की नजर में मैं एक काम पकड़ता हूँ थोड़ी देर करके छोड़ देता हूँ, लोगों की नजर में मैं कोई काम पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं करे जा रहा हूँ छोड़े जा रहा हूँ, अलग बात है, क्योंकि कोई भी चीज अट्रैक्ट करती है तो वो आप उस चीज को करते हो, पर थोड़ी देर करने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये लाइफ का गोल नहीं है, पर फिर भी मैं करता रहता था, बस यही दिमाग में बात कि खाली मन शैतान का घर। तो धीरे धीरे उस आदत ने मेरे को योग, आयुर्वेद और इन सब चीजों का जानकार बना दिया, उसको मैं अपनाने भी लगा, और फिर करते ही करते आज मैं यहाँ खड़ा हूँ कि जहाँ मैं अगर आपसे मैं अभी लाइव जुड़ने वाला था तो मैं, मुझे लग रहा था कि मेरे पास अब मैं कैमरा सेट करके बैठ गया हूँ, 3-4 मिनट हैं, तो मैंने सोचा क्या किया जाए। हालांकि हर वक्त कुछ करते रहना जरूरी भी नहीं होता, अगर आप कुछ शांत बैठना चाहते हो, ध्यान कर लो आप, तो आप ध्यान भी कर सकते हो बैठ करके 2-4-5 मिनट में ही, कुछ ना कुछ तो सहज होता ही है मन। लेकिन अगर आपका ऐसा मन नहीं है ध्यान आदि का, आपको शिक्षा नहीं मिली है, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा करिए। तो मैंने बैठ करके प्राणायाम किया, बस यही है कि टाइम को यूटिलाइज कैसे करना। लोग अक्सर जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं, बाहर बैठते हैं, खाली बैठे गप्पे हांकने लग जाते हैं, तू कहां से आई है, तू कहां से आया है, आप क्या इलाज कराने आए हो, वो क्या इलाज कराने आया है, फालतू के एक दूसरे का नंबर ले लेना दे लेना, आप हमारे घर आना, आप हम आपके यहां आएंगे। तो ये जो चीजें आप करते हैं वेल फ्री बैठे हुए, गली कहते दो महिलाएं भी इकट्ठी बैठ जाए वो भी चुप नहीं रह सकती, वो भी फालतू की गपशप करती हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है ना, जिन महिलाओं के पास खास टाइम होता है कि अब टाइम ऐसा नहीं कि वो वेली रहती हैं, काम बहुत करती हैं, पर उनकी चॉइस का टाइम होता है कि जब चाहे वो अपना काम थोड़ा ड्रॉ कर सकती हैं, इसी वजह से वो खाली भी रहती हैं बीच में और गपशप शुरू हो जाती है। गपशप में कब 3 घंटे निकल गए पता नहीं चलता इंसान को, और उसकी क्वालिटी जिस टाइम में बिल्ड हो सकती थी उस इंसान में, कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी आ सकती थी उसमें, उस टाइम का यूटिलाइज ना करने की वजह से, क्योंकि खाली मन रहा वो तो बेकार के थॉट्स आने लग जाते हैं। और बेकार के थॉट्स की एक एग्जांपल दूं, खासकर महिलाओं में आप सुनोगे आपस में बातें करते हुए कि वो तो ऐसे करती है जी, वो फड़फड़े करती है, वो मेरे साथ ऐसे करती है, ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, अच्छा जी हम नहीं उनसे ज्यादा मिलते, वो उनके स्वभाव कुछ और है, फलाने हैं, एक दूसरे की ना चुगली बहुत करती हैं महिलाएं, खासकर पुरुष भी करते हैं, पुरुष कैसे करेंगे, राजनीति में अटक जाएंगे, ये एक वो फलाना नेता ऐसा है, फलाना ऐसा, ओ नहीं उससे तो अच्छा हम करेंगे, ऐसा करें, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये क्या है, वेले बैठे, आप वेले बैठे थे ना, फ्री बैठे थे, तो ये अपने आप आ गया, खाली मन शैतान का घर, ये शैतान है, आप बेशक गपशप मार रहे हो, आप खाली नहीं बैठे हुए, लेकिन आप खाली बैठे थे इसीलिए आपके अंदर शैतान आ गया, ये शैतान ही है,
कि आपने पॉलिटिक्स की बातें शुरू कर दी, गपशप शुरू कर दी, तू सुना क्या कहाँ से, तू सुना, ये बड़ा एक कॉमन है पंजाब में, हो सुनाओ, और क्या सुनाए वो। तो ये खाली मन है, खाली मन ने शैतान आके घर कर गया। पॉलिटिक्स की चर्चा, काम विकार की चर्चा, इधर उधर की, ये पॉलिटिक्स, ये इधर उधर का, ये सारा शैतान है। अगर आप उस खाली समय में कुछ अच्छा करते तो धीरे धीरे देखने में ऐसा आता है कि जीवन बदलने लग जाता है। मैंने ऐसे से, मैं नीचे से नीचे स्तर के लोगों को भी मिला हूँ, मजदूर, लेबर के व्यक्ति, या कुछ भी जो मेहनत करते हैं, या जो भी है, मैं ऊपर की चोटी के लोगों को भी मिलता रहता हूँ, जो बड़े बड़े टॉप बिजनेसमैन हैं, जो अपने आप को कहते हुए बिजनेसमैन मानते हैं कि मैं पूरे शहर का, पूरे अपने राज्य का बड़ा बिजनेसमैन हूँ इंडिया का। तो ऐसे बिजनेसमैन के भी मैं संपर्क में हूँ, और मैंने उनकी आदतों में एक चीज़ ये भी देखी है कि वो फालतू की गपशप नहीं करते, और वो ज़्यादातर खाली भी नहीं बैठते। और अगर वो खाली बैठते हैं, हालांकि ये गलत है, लेकिन अगर वो खाली बैठते हैं तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, खाली बैठते हैं तो वो मेडिटेशन करते हैं। आप खाली बैठेंगे तो आप ब्रीदिंग करिए और ब्रीदिंग को काउंट करिए, और अगर आप उसके बाद काउंटिंग के बाद भी फ्री बैठते हैं तो आप अपनी ब्रीदिंग को खाली देखिए। अगर आप खाली बैठे हैं तो आप सिमरन करिए। खाली बैठेंगे तो शैतान आएगा दिमाग में, खाली मन शैतान का घर, ये मेरा लेसन था। तो खाली अगर आप बैठेंगे तो आपके अंदर एक दूसरे के प्रति वैर विरोध और कोई गलत भावना, फालतू की ऐसी चिंगारियां, एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग, ये पैदा होनी ही है। आप खाली ना बैठिए जीवन में, कुछ ना कुछ करिए, और आप पाएंगे एक दिन में एक चीज सीख लो। मेरे को लोग कहते नहीं, मेरे को कहाँ आना है अब, मेरी तो जिंदगी निकल गई। अब जिंदगी निकल गई ये कह कह करके जिंदगी निकालनी है जो बची है? आप एक चीज रोज सीखने का संकल्प लीजिए, कोई एक चीज अपने लाइन की जो आपको परफेक्ट बना दे, जो रोज आपको लोग कहते हैं ये तेरे में कमी, ये तेरे में कमी, आप एक अच्छी चीज रोज सीखिए और एक बुरी आदत को डेली आप अपनी लाइफ से रिमूव करिए, तो आप पाएंगे साल में जहां एक तरफ 365 अच्छी आदतें आपके जीवन में आएंगी, वहीं 365 जो गलत आदतें थी, जो कमियां थी, जो बुराइयां थी, वो भी जाएंगी। फिर बेशक कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इसी एक चीज पे ही हमारे कुछ दिन लग जाते हैं लगातार, पर फिर भी वो लगातार लगने के बाद कम से कम वो कोई गलत चीज हमारी लाइफ से निकल तो जाती है, एटलीस्ट निकले ना सही, कोई गुस्सा ज्यादा करने की या कोई और आदत ऐसी भी है जीवन में, अगर आप उस पर काम करते हैं, अपने आप को रेगुलर नहीं है साहब में मुझे आगे से नहीं करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय के बाद वो निकले ना सही बहुत लिमिटेड हो जाती है, टॉलरेबल हो जाती है। इसीलिए ये चीजें करनी है, खाली ना बैठ करके चिंतन करिए, मनन करिए, बुक्स रीडिंग करिए, टाइम बनाइए चीजों का। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली नहीं बैठने का मतलब कि आप कभी रिलैक्स ही ना हो और इतने ओवर ज्यादा काम कर लो कि स्ट्रेस में चले जाओ। हम जब खाली बैठते हैं ना तो सिर्फ खाली बैठते हैं, उस समय हम माइंड को भी चलने नहीं देते, थॉट्स भी नहीं चलने चाहिए माइंड में, तब वो आपका गिना जाएगा ध्यान, तब गिना जाएगा वो सुकून, वरना तो वो खाली बैठना जिसमें हम बैठते हैं, हाँ जी हम बैठ गए अब खाली, तो फिर चर्चा शुरू हो जाएगी कोई उल्टी पुल्टी, कहीं कहीं निकल जाओगे, और फिर गपशप नहीं रुकती है, अच्छी चीज करके फिर भी माइंड थकता है कि चलो बस करें अब, लेकिन जब गपशप शुरू होती है तो जुबान के ऊपर स्वाद लग जाता है, मजा आने लग जाता है, कब एक घंटा बीता, कब तीन घंटे बीते, कब रात हो गई, लोग गप करते करते गपशप, अरे मेरा दोस्त मिला कितने सालों के बाद, पूरा दिन बीत गया, ऐसे दिन दिन कर करके पूरी लाइफ हम स्पॉइल कर देते हैं। इसलिए ये मत कभी सोचो कि मैं अब मेरी कौन सी जिंदगी है, अब मैंने क्या सीखना है, आज से ही ये चीज, अगर मेरी लाइफ का ये लेसन आप अपनी लाइफ में भी लाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ज्यादा ना सही कुछ कुछ तो अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। मेरी ये लाइफ की जो ये सेकंड लेसन था, खाली मन शैतान का घर, ये आप अपने जीवन में जरूर लाने की कोशिश करना और फिर मुझे बताना कि इससे क्या अच्छे रिजल्ट्स आए। हालांकि रात को लास्ट पे सारा कुछ छोड़ छाड़ के जब लेट जाओ तब आप कुछ देर खाली हो जाओ और ब्रेन को भी खाली कर दो, थॉट्स को भी खाली कर दो, सारी चीजें दूर कर दो अपने रेगुलर यूज की, और फिर शांत होकर के आप कुछ देर के लिए सिर्फ सांसों को देखो और सांसों को देखते 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 सो जाओ। ये था आज की लाइफ का, आज आज के दिन का स्पेशल लेसन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे,
आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।